हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेदांती व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कड़कती गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा शरबत पीने को मिल जाए तो दिल दिमाग और शरीर को बहुत ठंडक पहुंचता है। तो इस गर्मी से राहत पाने के लिए मैं आपके साथ आज गुलकंद और पान से बने एक मिल्क शेक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पान के पत्ते यानी कि बेटल लीव्स, जिसे हम ज़्यादातर लंच या फिर डिनर के बाद अक्सर खाते हैं, ये स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं को हल करती है। वैसे ही गुलकंद के भी कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये मिल्क शेक काफ़ी हेल्दी है तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें और यकीन मानिए आपको ये ड्रिंक बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं ये ठंडा ठंडा सा मिल्क शेक और गर्मी को जल्दी से ही दूर भगाते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में हम ये सब्जा सीड्स हैं यानी बेसिल सीड्स, इसका मैं एक बड़ा चम्मच बाउल में डाल दूंगी। अब डालते हैं इसमें पानी और अब हम इसे एक घंटे के लिए साइड में रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये मैंने लिया है बेटल लीव्स यानी कि पान के पत्ते। अब हम इसके जो डंठल है वो अलग कर देंगे और इसे तोड़कर हम मिक्सर जार में डाल देंगे। मैं ये मिल्क शेक बना रही हूँ दो लोगों के लिए, तो मैंने यहाँ पर 4 बेटल लीव्स यानि पान के पत्ते इस्तेमाल किए हैं। अब इसमें डालते हैं एक थोड़ा सा सौंफ और हल्का सा पानी और डालते हैं इसमें 4 बड़े चम्मच चीनी। इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए रेडी हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में स्ट्रेनर के मदद से छान लेंगे। ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये है गुलकंद, तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच गुलकंद ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन 3 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालिएगा। इसे मिला लेते हैं अच्छे से। जब ये अच्छे से मिल जाए हम इसमें दूध डाल देंगे। ये मैंने दूध बॉईल कर लिया था, फिर इसे ठंडा कर लिया है। आप एक बात का ख्याल रखें कि आप जितने भी चीज़ें यहाँ पे ले रही हैं आप उसे ठंडा ही लें, गर्म चीज़ हमें कोई भी हमें इसमें मिलानी नहीं है। तो ये जो शेक है ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो मैंने इसे ऐसे जार में सर्व कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे सब्जा। ये देखिए फूल कर रेडी हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी ये सब्जा। तो हमारा मिल्क शेक रेडी हो गया है। इसे ठंडा ठंडा आप बनाएं और इसका आनंद लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं आपको मिलूँगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय।